भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शनिवार को उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दरबार में शीश नवाया। कैलाश विजयवर्गीय ने गर्भगृह में प्रवेश बंद होने के चलते गर्भगृह के बाहर से बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने सीएए के मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि विपक्ष ने पूरे देश में भ्रम फैलाया हुआ है, यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, वहाँ धार्मिक रूप से प्रताड़ित है। निजी कार्यक्रमों में शिरकत की, जिसके बाद विजयवर्गीय ने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर पूजन अभिषेक किया। महानिर्वाणी अखाड़े में महंत प्रकाश पुरी महाराज से भेंट की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि एनआरसी सीएए जैसे मुद्दों पर विपक्ष लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है। देखिए, ये विपक्ष ने पूरे देश के अंदर एक भ्रम फैलाया है, सीएए सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, जो अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वहाँ वो धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे, तो यहाँ पर आकर उनको नागरिकता मिलेगी। इनकी संख्या बहुत कम है, इससे किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक भ्रामक पर्चा निकाल कर कांग्रेस के लोगों ने इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।